हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम चक्र सहरवार और मैं अपने यूट्यूब चैनल TNT ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, ये हमारी NCERT की मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारी 6वीं क्लास की मैथमेटिक्स चल रही है और इस मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 1 और 2 को फिनिश कर चुके हैं और अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा संख्याओं की विभाज्यता। ठीक है दोस्तों, संख्याओं की विभाज्यता और संख्याओं की विभाज्यता की जांच। कहने का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि हम संख्याओं की विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं कि हमारी कौन सी संख्या किस नंबर से विभाजित होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी को। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे कि मतलब 2 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल रहेंगी। तो दोस्तों, यदि हम 2 की बात करें कि 2 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल रहेंगी, तो हमारा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी संख्याएं 2 से तब डिवाइड रहेंगी जब संख्याओं के अंत में क्या हो, कोई भी सम संख्या हो तब हमारी संख्या कम्प्लीटली 2 से क्या होगी, डिविजिबल रहेगी। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यदि संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जब सम संख्या और 0 हो किसी भी संख्या के अंत में, तो वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड होने वाली है या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की कि अब बात करेंगे हम 3 से डिविजिबिलिटी कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल रहेंगी। ठीक है दोस्तों, जब दोस्तों हम व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मान लो दोस्तों, हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 3। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास संख्या थी 1233। अब इस संख्या का यदि योग क्या आए, हमारा इस संख्या का योग यदि 3 से डिवाइड होगा तो हमारी संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल रहेगी या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो कहने का हमारा इसका योग कितना आएगा, 9 आएगा और 9 हमारी संख्या जो है वो 3 से डिवाइड है या डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार की संख्या भी हमारी, ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जब जो संख्या हमारी हमारे पास है वो संख्या का योग, उन संख्याओं का योग यदि हमारा 3 से डिविजिबल होता है तो वो संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की और 4 की डिविजिबिलिटी यानी 4 से विभाज्यता की जांच। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि 4 से संख्याएं कब विभाजित होंगी और कब विभाजित नहीं होगी। मतलब कहने का सीधा सा ये है कि 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होने वाली हैं। तो दोस्तों, व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यदि जो हमारे पास नंबर दिया है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं यदि वो 4 से डिविजिबल हैं तो हमारी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी, हमारी संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। क्या होगा दोस्तों, यदि संख्या के लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हैं तो हमारी संख्या भी 4 से डिविजिबल रहेगी, तो हमारी संख्या भी 4 से डिविजिबल रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि
चार का, यदि हम चार से 28 को डिवाइड करें तो हमारा ऑलरेडी 7 बार में हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जो 6428 है वो संख्या भी चार से डिवाइड होगी। क्या होगी? वो संख्या भी हमारी चार से डिवाइड होगी। अब बात करते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 की विभाज्यता, कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है, कौन कौन सी हैं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 5 से दोस्तों जब हमारी संख्याओं के अंत में या तो 5 हो या फिर 0 हो, यदि किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 है और 0 है तो वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होने वाली है, वो संख्या हमारी 5 से विभाजित होने वाली है, ठीक है दोस्तों। यदि किसी भी संख्या के अंत में क्या 5 हो और 0 हो तो वो संख्या हमारी क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। चलो दोस्तों बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो रहेगा हमारी 6 की डिविजिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि 6 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता दोस्तों क्या होती है, ये सिंपल सा कहने का मतलब सीधा सीधा सा ये होता है, जो भी संख्या 3 से और 2 से विभाजित हो जाए, क्या, जो भी संख्या 3 से और 2 से विभाजित हो जाए वो संख्या हमारी 6 से विभाजित भी हो जाएगी, वो संख्या हमारी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 3 और 2 से विभाजित हो जाए वो संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो, सॉरी 6 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है 18 की यदि हम बात करें तो ये हमारी 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए ये हमारी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, इसीलिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों हम 7 की विभाज्यता, कि 7 की विभाज्यता कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, समझ में आएगा दोस्तों। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू इज द डिजिट एट वंस प्लेस एंड द नंबर फॉर्मड बाय अदर डिजिट्स इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि यदि हमारी संख्या क्या हो, मतलब जो संख्या है उनका क्या हो, डिफरेंस हो, जैसे मान लो हम, मतलब जो उसका ट्विस है, जैसे हम 65 की बात करें और 65, यदि हम 65 की बात करें तो 65 क्या है, 65 क्या है, 65 एक मतलब संख्या है, मतलब 658 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 658 की बात कर रहे हैं, और यदि हम इस संख्या का जो अंतिम डिजिट है इसका दुगना करके इस 65 में से माइनस कर दें तो यदि ये संख्या हमारी क्या 7 से डिवाइड है तब हमारी संख्या, तो 658 भी हमारी संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी। तो जैसे 8 दूनी 16 और 16 माइनस कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 5 के माने 15, 15 में से 6 चले गए, बचेगा हमारे पास कितना, बचेगा हमारे पास बचेगा 9, ठीक है, और 9 बचेगा यहाँ पर आ जाएगा 49। तो इस प्रकार से कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जब हमारे पास यदि कोई संख्या है, हमारे पास यदि कोई संख्या है तो उसका जो अंतिम डिजिट है उसका दुगना करके उसके जो बचे हुए डिजिट हैं उनमें से यदि हम घटा दें तो यदि वो आंसर हमारा 7 से डिवाइड होता है तो हमारी जो संख्या होती है वो हमारी संख्या 7 से डिवाइड होती है, वो हमारी संख्या 7 से डिवाइड होती है। दोस्तों हम बात करते हैं 8 की, कि 8 की डिविजिबिलिटी की जांच कैसे होती है, कि 8 से हमारी कौन कौन सी संख्याएं हमारी कटती हैं या कौन कौन सी संख्या हमारी भाग जाता है 8 का, ठीक है। तो व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। मान लो दोस्तों इसमें सीधा सीधा सा ये कहा है कि मान लो हमारे पास कोई नंबर दिया है और उसकी लास्ट 3 डिजिट हैं, यदि वो 8 से डिवाइड हैं, यदि वो 8 से डिवाइड हैं तब हमारी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 8,
सो देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ द लास्ट 3 और मोर डिजिट ऑफ अ नंबर आर 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8. फॉर एग्जाम्पल 2256 कहने का सीधा सीधा सा ये है कि यदि हमारे पास ये 2256 है तो 256 यदि 8 से डिवाइड है तो हमारी ये संख्या भी हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी. ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम दोस्तों 9 की डिविजिबिलिटी की, कि 9 की डिविजिबिलिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको इसकी डिविजिबिलिटी को फाइंड करते हैं. तो दोस्तों ये सिंपल सा सीधा सा वैसे ही है जैसा हमारा डिविजिबिलिटी 3 का था. क्योंकि दोस्तों व्हेन द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9. दोस्तों हमारे पास कोई संख्या है, मान लो हमारे पास संख्या है 9 3 6 8 1 9. ठीक है, ये हमारे पास संख्या है और इस संख्या का योग यदि हमारा क्या है, यदि हमारा 9 से डिवाइड है तो हमारी ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी. तो ये संख्या भी हमारी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी. तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यदि हम बात करें 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9, ठीक है, ये क्या होगी. ठीक है, यदि इसका योग कितना होता है, हमारा 9 से डिवाइड होता है, दैट इज 36. तो कहने का सीधा सा मतलब यदि हमारा ये डिवाइड है तो हमारी ये संख्या भी डिवाइड हो ही जाएगी. तो हमारी ये संख्या भी हमारी डिवाइड हो ही जाएगी. बात करते हैं दोस्तों हम 10 की डिविजिबिलिटी पर, कि यदि 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है. तो दोस्तों यदि हमारी संख्या में किसी संख्या के अंत में एक जीरो आता है तो हमारी वो संख्या हमारी क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी. हमारी वो संख्या क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी. हमारी वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी. क्या होगी, 10 से डिविजिबल होगी. ठीक है, व्हेन अ नंबर एंड्स विद 0 सो देन इट डिविजिबल बाय 10. कहने का सीधा सा मतलब ये है, यदि हमारे पास कोई संख्या है और उसके अंत में यदि 0 लिखा हुआ है तो इस प्रकार की संख्या हमारी क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी. इस प्रकार की संख्या हमारी 10 से डिवाइड होगी. बात करते हैं दोस्तों हम 11 की डिविजिबिलिटी की, कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है. 11 मतलब जो 11 होता है उससे हमारी कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, या मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो हमारी 11 से या 11 से पूर्णतः विभाजित होती हैं. ठीक है दोस्तों, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, कैसे हम निकालें 11 की डिविजिबिलिटी को. तो इसका कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि होगा क्या, जैसे दोस्तों इसमें व्हेन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल और डिफरेंस बाय अ नंबर डिविजिबल बाय 11. कहने का मतलब सीधा सा ये है, यदि हमारे पास कोई क्या है दोस्तों, कोई नंबर है 5 4 2 3, हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है और इसका जो इवन प्लेसेस है, जैसे मान लो हम इसका क्या इवन प्लेसेस की बात करें और ऑड प्लेसेस की बात करें, जैसे इसका ऑड प्लेसेस ये है, ये इसके ऑड प्लेसेस हैं, ये इसके इवन प्लेसेस हैं. ठीक है, ये इसके इवन प्लेसेस हैं. तो 2 प्लस 6 8 8 प्लस 4 12. ठीक है, 8 प्लस 4 12 और 12 प्लस 3 होता है 15. ठीक है, ये 15 हो गया. अब इसी प्रकार से 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 2 15. तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि इसका ऑड प्लेसेस का योग और इवन प्लेसेस का योग हमारा इक्वल आया है, इसलिए हमारी ये संख्या क्या होगी, हमारी 11 से डिवाइड होने वाली है. ठीक है दोस्तों, 11 से डिवाइड होने वाली है. दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, कि 12 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 12 डिविजिबिलिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं. दोस्तों 12 की डिविजिबिलिटी सीरियसली बहुत सिंपल होती है. जो संख्या 4 और 3 से डिविजिबल होगी वो हमारी 12 से डिविजिबल भी होगी. जो संख्या हमारी 3 और 4 से डिविजिबल होगी वो संख्या हमारी 12 से भी डिविजिबल होगी. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, कि 14 की डिविजिबिलिटी. ठीक है, 14 की डिविजिबिलिटी, की 14 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल होंगी. तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारी 12 है, इसके 12 के गुणनखंड होते हैं 4 × 3, इसी प्रकार 14 के गुणनखंड होते हैं 7 × 2. कहने का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, कि यदि हम बात करें कि
मतलब 14 की मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो 14 से डिवाइड होंगी। तो दोस्तों जो संख्या 7 और 2 से डिवाइड होंगी वो संख्या 14 से भी डिवाइड होंगी। क्या जो संख्याएं 7 और 2 से डिवाइड होंगी वो संख्याएं हमारी 14 से भी डिवाइड होंगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हम 15 की कि 15 से हमारी कौन कौन सी डिविजिबिलिटी होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब 15 से हमारी कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे 12, 14 और 15 तो यहाँ पर आ जाता है 5 × 3। तो जो संख्या दोस्तों हमारे 5 और 3 से डिवाइड होगी वो संख्या हमारी 15 से भी डिवाइड होगी। जो संख्या हमारी 5 और 3 से डिवाइड होंगी वो संख्या हमारी 15 से भी डिवाइड होंगी। वो संख्या हमारी 15 से भी डिवाइड होंगी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की, और नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हमारी 16। इस 16 की डिविजिबिलिटी क्या है, मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 16 से डिवाइड होती हैं। तो दोस्तों इसको हम बात करें दोस्तों, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 16 या 16 व्हेन द नंबर मेड बाय इट्स लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। दोस्तों 16 से वो नंबर डिवाइड होगा जो जिसके लास्ट चार डिजिट किससे 16 से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, 16 से डिवाइड हो जाएं लास्ट चार डिजिट, तो वो हमारी संख्या भी क्या होगी, वो हमारी संख्या भी 16 से डिवाइड होगी। जिसके चार डिजिट, लास्ट के चार डिजिट यदि 16 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो हमारी संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की, और नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है हमारी 18 की डिविजिबिलिटी कि 18 की डिविजिबिलिटी कब होगी, मतलब 18 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अपने 18 की डिविजिबिलिटी की। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 व्हेन इट इवन एंड डिविजिबल बाय 90, फॉर एग्जाम्पल 93, 61, 98। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी संख्या 18 से जब डिवाइड होंगी, जब क्या होगा, जो इवन है वो क्या होगा, इवन एंड डिविजिबल बाय 9। फॉर एग्जांपल 93, 61, 98 इज डिविजिबल बाय 18 एज इट इज इवन एंड डिविजिबल बाय 9। ठीक है, कहने का सीधा सा मतलब यही है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हम 25 डिविजिबिलिटी में क्या होगा। दोस्तों ऐसी संख्याएं जिसके अंत में क्या हो 5 हो और 0 हो, तो वो हमारी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएंगी। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25 व्हेन इट्स लास्ट 2 डिजिट आर आइदर 0 और डिविजिबल बाय 25। ठीक है, तो यदि मतलब संख्या के अंत में या तो 0 हो या 5 हो, तो हम इस प्रकार की संख्याओं को क्या कर सकते हैं हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर होगा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर 5 तो होगा लेकिन क्या 25 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 50 होना चाहिए, 250 होना चाहिए, इस प्रकार की कंडीशन बनना चाहिए, तब हमारी संख्याएं क्या होती हैं, 25 से डिवाइड होने वाली हैं। 125 की बात करें दोस्तों तो वही सेम कंडीशन हमारी यहां पर भी लगने वाली है कि आ नंबर इज डिविजिबल बाय 125 व्हेन द नंबर मेड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 125। फॉर एग्जांपल 630125 इज डिविजिबल बाय 125 एज द नंबर मेड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 125। तो दोस्तों ये हमारी डिविजिबिलिटी फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए है दोस्तों, जो भी 6वीं से लेकर के 12वीं तक पढ़ रहा है। और दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं ऑलरेडी
केवल और केवल बेसिक्स के बारे में समझाता हूँ, बेसिक्स पढ़ाता हूँ, और बेसिक्स ऑलरेडी हर एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने TNT ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।